نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم عن ابن مسعود قال تلا رسول الله صلى الله عليه واله وسلم فمن يريد الله ان يهديه يشرح صدره للاسلام فقال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم إِنَّ النُّورَ إِذَا دَخَلَ الصَّدْرَ انْفَسَحَ فَقِيلَ يَا رَسُولَ اللَّهِ هَلْ لِتِلْكَ مِنْ عَلَمٍ يُعْرَفُ بِهِ قَالَ نَعَمْ التَّجَافِي عَنْ دَارِ الْخُرُورِ وَالْإِنَابَةُ إِلَى دَارِ الْخُلُودِ وَالْإِسْتِعْدَادُ لِلْمَوْتِ قَبْلَ نُزُولِهِ। हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये आयत पढ़ी, फ़मन युरिदिल्लाहु अन यहदियहु यशरह सदरहु लिल्इस्लाम, जिसको अल्लाह हदायत देने का फ़ैसला करता है तो उसके सीने को इस्लाम के लिए खोल देता है। ये आयत पढ़ने के बाद हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब नूर सीने में दाखिल होता है तो सीना खुल जाता है। लोगों ने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह, क्या इसकी कोई महसूस अलामत है जिसके ज़रिए पहचान लिया जाए? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हाँ, इसकी महसूस अलामत यह है कि आदमी का दिल इस दुनिया से उचाट हो जाता है और वो हमेशगी के घर का मुश्ताक हो जाता है और मौत आने से पहले मौत की तैयारी में लग जाता है। मोहतरम नाज़रीन, मैंने आपके सामने मिश्कात शरीफ में से एक हदीस तिलावत की है और जिसका तर्जमा भी मैंने आपके सामने गोश गुजार किया है। इस हदीस के रावी हजरत अब्दुल्ला बिन मसूद रजी अल्लाह ताला अन्हो है। मोहतरम नाजरीन, जिस शख्स के दिल में इस्लाम की हकीकत उतर जाती है तो उसका दिल इस फानी दुनिया से दूर भागने के लिए हमेशा हमातन तैयार रहता है और वो आखिरत का मुश्ताक हो जाता है और मौत के आने से पहले नेक अमल करने लग जाता है। मतलब नाज़रीन, इस हदीस से मालूम होता है कि अल्लाह ताला जिस शख्स से भी भलाई का इरादा रखता है, चाहता है, तो उसे दीन की समझ अता फरमाता है। अब अल्लाह ताला से ये दुआ मांगनी चाहिए, ऐ रब्बुल आलमीन, हमें भी दीन की समझ अता फरमा, दीन की सूझबूझ अता फरमा, जिसके मुताबिक हम सही मानों में शरीयत मुहम्मदिया की फालोनेस करते हुए अपनी जिंदगी को कामयाब तरीन रास्ते पे लगा सके। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इन्ना नूरा इज़ा दाखला सदर इन्फासा, कि जब नूर हदायत दिल में दाखिल होता है तो उसको वसी कर देता है, उसे कुशादा कर देता है। हमें हमेशा दीन इस्लाम को समझने के लिए फिक्र करनी चाहिए, क्योंकि दोस्तों, ये दुनिया तो जो मिली सो मिली, ये तो खत्म हो जाएगी, ये तूफानी दुनिया है। चाहे अमीराना जिंदगी मिले या गरीबाना जिंदगी मिले,
इसने एक ना एक दिन खत्म हो जाना है, इसके बाद जो जिंदगी मिलेगी उखरवी जिंदगी मिलेगी उसने खत्म नहीं होना। अब हम ज्यादातर दुनिया के लालच में आकर हम थोड़ी जिंदगी की सहूलत के लिए ज्यादा सरगर्दा है और जो हमें हमें हमेश की जिंदगी मिलनी है उसके लिए हमें फिक्र नहीं। हमें चाहिए कि हम उस जिंदगी उस उखरवी जिंदगी की फिक्र करें जो कभी ना खत्म होने वाली है। जब हिसाब किताब हो जाएगा, जहन्नमी जहन्नम में चले जाएंगे, जन्नती जन्नत में चले जाएंगे, तो फिर उसके बाद कोई मौका नहीं मिलेगा कि इंसान को कोई और जिंदगी मिले जिससे अमल करके अपनी जिंदगी को बेहतर बना सके या कामयाब कर सके। इसलिए हमें अब से सोचना है कि दारुल अमल है ये दुनिया, इस दुनिया में हमने अमल करने हैं और इस अमल का बदला हमें दुनिया में भी मिलता है मुकाफात अमल की सूरत में, अच्छा बुरा, और आखिरत में तो जरूर मिलेगा। वो हसीब जात है, वो रहीम जात है, वो करीम जात है, वो लतीफ जात है। अल्लाह से ये दुआ करनी चाहिए, अल्लाह ए रब्बुल इज्जत हम पर मेहरबानी फरमा, हम पर शफकत फरमा, हमें दीन की सूझबूझ अता फरमा, क्योंकि तेरा रसूल तेरा कुरान ये फरमाता है कि जिससे अल्लाह भलाई चाहता है हदायत देना चाहता है उसका सीना उस हदायत की वजह से खोल देता है, उसे कुशादा कर देता है, उसको हतमी और कती तौर पर पता चल जाता है कि हमारी कामयाबी किन कामों में, किस नजरियात में, किस नजरिए में, दुनिया को बेहतर बनाने में या दुनिया को आखिरत के लिए कुर्बान करने में। अब जिस चीज का दवाम होगा, जिस चीज का हमेश होगा, खुलूद होगा, समझदार आदमी तो उसके लिए काम करता है ना, आरजी चीज के लिए तो कुछ नहीं करता। बचपन आरजी है चला जाता है, जवानी आरजी है चली जाती है, बुढ़ापा आरजी चल, ये जिंदगी आरजी है चली जाती है, लेकिन जो हमेशा रहेगी वो उखर भी जिंदगी रहेगी। अब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें राह हदायत पर लगाने के लिए मुख्तलिफ जावियों से मुख्तलिफ शक्लों में मुख्तलिफ अहादीस के बयानात के जरिए हमारे जहन को मुतनब्बे किया है कि ये काम करोगे, इस तरह करोगे तो कामयाब हो जाओगे। मौत से पहले मौत की तैयारी करो, मौत से पहले अगर तैयारी ना की तो आखिर बर्बाद हो जाए। और जो लोग दुनिया की जुल्मतों में दुनिया के मामूलात में दुनियादारी में उसकी हविस में अटे पड़े हैं, उन्हें तो फिर दुनिया में रहते हुए उनको जितनी भी आप नसीहत कर लें, जितनी बाज़ नसीहत उनके सामने पहुंचा दें, उन्हें ऐसा नहीं पड़ता। वो दुनिया को करीब समझते हैं और आखिरत को दूर समझते हैं। हालांकि जब इंसान मर जाता है उसकी तो आखिरत शुरू हो गई है, उसका तो उखरवी सफर शुरू हो चुका है, आखिरत का सफर, सफर आखिरत पे वो रवाना हो जाता है। नहीं पता किसी लम्हा फरिश्ता अजल आ जाए, मौत का फरिश्ता आ जाए और हमारी रूह कब्ज कर ले, जो खाना था वो उसने खा लिया, जो पीना था उसने पी लिया, जितनी सांसें लेनी थी उसने ले ली, जितनी दुनिया में उसने जो कुछ करना था कर लिया, जो चलना था सो चल लिया, जो कुछ उसने कारोबार करना था कर। अब जब मौत आ गई तो सारे कारोबार बंद, सारे रिश्ते खत्म। अब वो मुर्दा डेड बॉडी है, अब उसके वारिस संभालेंगे, जो उसने नेक काम किया वो उसके आखिरत में चला गया। इसलिए मेरे दोस्तों नाजरीन, मेरे भाई और मेरी बहनों, हमें दुनिया में रहते हुए आखिरत की फिक्र करनी चाहिए, हमें दीन इस्लाम की फॉलोनेस करते हुए कुरान और हदीस के मुताबिक जिंदगी को बसर करते हुए हमेशा
वो काम करने चाहिए जिन कामों पर नबी पाक सल्लम की हदीस की मोहर साबित हो। हजूर के अलावा कोई हमें राह रास पर नहीं ले जा सकता, अल्लाह और उसके रसूल के फरामीन ही हमें राह हिदायत दे सकता। कोई ऐसी हस्ती नहीं है, जो हस्ती नबी पाक सल्लम ने जो बातें हमें बता दी हैं वो एक नुक्ता भी आगे पीछे नहीं हो सकता, हतमी है, कती है। मैं अक्सर बेशतर कहा करता हूं, शम्स व कमर का निजाम टूट फूट का शिकार हो सकता है, लेकिन नबी पाक सल्लम की हदीस जो जिस तरह आई है उसमें एक नुक्ते का भी रद्दोबदल नहीं हो सकता। हतमी है, कती है, लाजमी है और दीन इस्लाम की बुनियाद है और दीन इस्लाम में से है। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें हमेशा दीन इस्लाम के मुताबिक ज़िंदगी बसर करने की तौफीक अता फरमाए, हमें भी अपनी मौत से आने से पहले मौत की तैयारी करने की तौफीक अता फरमाए, और इस तौफीक में जब तक अल्लाह ताला की तौहीद शामिल हाल नहीं होगी हम कुछ नहीं कर सकते। हमेशा अल्लाह से अच्छे अमल की तौफीक और तईद मांगते रहना चाहिए। आखिर दावा अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।